वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आइए आज फिर हम कल की क्लास की तरह आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको सर्वनाम पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? सर्वनाम, प्रोनाउन। तो सर्वनाम के 6 भेद थे। कल मैंने आपको पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ा दिया था, पुरुषवाचक सर्वनाम कंप्लीट हो गया। आज हम पढ़ेंगे निश्चयवाचक। क्या पढ़ेंगे? निश्चयवाचक, जो जिससे किसी व्यक्ति के निश्चय का पता चले, यानी जिससे किसी व्यक्ति के निश्चितता का पता चल जाए कि वो व्यक्ति कितना है। जैसे यह, यह एक लड़का है एक, वह, वह एक लड़का एक। तो यानी जैसे यहाँ दिया हुआ, यह राम है एक, वह जा रहा है एक, यानी निश्चितता का पता चल रहा है। तो जिससे वाक्य के निश्चितता का पता चल जाए उसे निश्चयवाचक कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है आपका अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक, जिससे व्यक्ति की अनिश्चितता का बोध हो, यानी जिससे पता ना चले कि व्यक्ति कितना है, अनिश्चितता। जैसे हमने कहा कुछ, कुछ लोग आ रहे हैं, कितने लोग? कुछ लोग, पता नहीं चल रहा है। कोई खेल रहा है, कोई भाई कौन है पता नहीं, अनिश्चितता। कोई आ रहा है, कुछ लोग खेल रहे हैं, तो जिस वाक्य से अनिश्चितता का पता चले उसे हम अनिश्चयवाचक कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट संबंधवाचक। संबंध, जिस वाक्य में संज्ञा से संबंध जोड़ा जाता हो, यानी जो जिस वाक्य में संबंध जोड़ा जाता हो उसे हम संबंधवाचक कहते हैं। जैसे जो सो, वह कौन है जो खा रहा है? तो यहाँ देखिए आप, वह कौन है जो खा रहा है, तो वह कौन है खा रहा है, ये वाक्य को जोड़ रहा है आपस में, तो इसे हम संबंधवाचक कहेंगे। क्लियर है? संबंधवाचक। जैसे जो जो जागेगा सो पावेगा, कौन पावेगा? सो पावेगा। तो जो जागेगा असो पावेगा, दोनों को सो जो है वो वाक्य को जोड़ रहा है, तो जिसको जोड़ा जाए उसे हम संबंधवाचक कहते हैं। अगला है आपका निजवाचक। क्या है? निजवाचक। तो इससे स्वयं, इसे स्वयं या नीज का बोध हो, यानी मैं स्वयं या नीज का बोध हो उसे हम निजवाचक कहते हैं। जैसे आप ही, स्वयं ही, मैं स्वयं ही चला जाऊंगा, यानी मैं खुद चला जाऊंगा, तो क्या हो गया? निजवाचक। निज का अर्थ क्या होता है? आपने बस में देखा है, यात्री अपने सामान की रक्षा स्वयं कर, यानी खुद करें, बस जिम्मेदार नहीं होगा, तो निजवाचक। क्या है? निजवाचक। क्लियर है? प्रश्नवाचक। प्रश्न तो जानते हो आप, प्रश्नवाचक, जिससे कोई प्रश्न किया जाए, क्या किया जाए? प्रश्न किया जाए, उसे प्रश्नवाचक संज्ञा के सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम पढ़ रहे हैं, तो जिससे कोई प्रश्न किया जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे कौन, क्या, क्यों, कब। जैसे आप कौन हो, आपको कह रहा हूँ आप कौन हो, कमेंट बॉक्स में नाम जरूर बताना। आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, आप कब आओगे, तो जिस वाक्य में प्रश्न किया जाए उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो मैंने आपका सर्वनाम क्लियर कर दिया कॉन्सेप्ट। मैं एक एक करके हर वीडियो आपको दूंगा, आपका एग्जाम को बिल्कुल ईजी बना दूंगा। तो आप देख रहे हैं, आज मैंने आपको सर्वनाम का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। ऐसे ही आप वीडियो को डेली देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में फैला दें। धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको समझा पाया हूँ। धन्यवाद।